मेरी बहन को तूने हाथ लगाया? इसको मैंने ए आर्या, तुम मुझे गुस्सा मत लाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 16 सोमवार व्रत का नियम इस तरीके से करना चाहिए। किसी भी सोमवार को आप शुरू कर सकते हैं। शाम के समय पूजा करनी चाहिए, 4 बजे 5 बजे इस टाइम प्रदोष के टाइम में करनी चाहिए। पूजन में पहले आप जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के जल चढ़ाएंगे। चंदन लगाइए इस तरीके से त्रिपुण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम बनाइए। फिर चावल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। अगर बेलपत्र ना हो तो शमी का पत्र चढ़ाइए। शमी पत्र बहुत ही अच्छा होता है, भगवान बहुत खुश होते हैं शमी पत्र से। शमी पत्र चढ़ाइए और ये स्वयं सफ़ेद आंकड़े का फूल चढ़ाइए। जय भोलेनाथ। दीपक जलाइए, दीप दर्श करिए, फिर धूप बत्ती दिखाइए। उसके बाद आप कथा स्टार्ट करेंगे। पूजा के बाद आप 16 सोमवार व्रत की कथा पढ़िए। कथा देखिए इस प्रकार है। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीय नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीय शिव जी का मंदिर बना था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राण पति को प्रसन्न देख मनो विनोद करने की इच्छा करके ऐसे प्रश्न करने लगी। हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलें। शिव जी ने प्राण पिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माताजी ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में किसकी जीत होगी? पुजारी बिना विचारे शीघ्र ही बोल उठा कि जीत महादेव जी की होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और जीत पार्वती जी की विजय हो गई। तो पार्वती जी ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध के कारण कोढ़ी होने का श्राप दिया। कुछ समय के में पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट को पाते पाते जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में आईं और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी अधिक दुखी मन से बोला, भगवान शिव जी तुम्हारे रोगी होने का कारण पूछा, अधिक दुखी होने मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम ये सब व्रतों में श्रेष्ठ जो 16 सोमवार का व्रत है उसको भक्ति भाव से करो। तब पुजारी जी ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार के व्रत को विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा शेर अच्छे बिने, स्वच्छ गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंगा बनावे और घी गुड़ नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से 1 शिव जी का अर्पण करें, बाकी 2 शिव जी वो 2 शिव जी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पाए। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन 1.25 शेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, उसमें तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर
चूरमा बनावे और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। पीछे अपने आप सा कुटुम प्रसाद लिए तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया। तब भगवान शिव जी ने कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती उस मंदिर में पधारे, तब पुजारी को निरोग देख पार्वती ने पुजारी से रोग मुक्ति का कारण पूछा। तो पुजारी ने 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती भी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने ये विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार का व्रत कथा उनको सुनाई। तब वे बोले, इस व्रत को मैं भी करूँ, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उसे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनको मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलने का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई, उसने भी कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वो किसी कारणवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि वो जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हाथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी के की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। निश्चित समय पर हाथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या के विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और विप्र को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। विप्र सुंदर कन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसने प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसे रूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके घर में एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए और उसका पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि तूने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने 16 सोमवार की विधि के अनुसार पुत्र का सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सबकी मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वो भी इस व्रत को करने के लिए इस राजा अधिकार पाने की इच्छा से करने लगा और सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उस समय एक देश के वृद्ध राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर वही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूत के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वो ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने
दास दासियों द्वारा सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और अपने आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब यह आकाशवाणी हुई कि हे राजा अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तुम्हारा सर नष्ट कर देगी। वाणी को सुनकर राजा तत्काल ही मंत्रगृह में जा करके अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर नाश कर देगी। मंत्री आज सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है, ये कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर आई, बिना पदत्राण फटे वस्त्र पहने, भूख से व्याकुल धीरे दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तो मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। बुढ़िया की ऐसी बात सुनकर रानी ने उसको सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रखी, पर थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि सूत की पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई। वहाँ आई रानी को अपने साथ दूर रहने कह दिया एक तेली के घर। तेली के घर सब मटके चटके शिव जी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो उस सरिता के समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई, जहाँ जाकर उसने सरोवर में सीढ़ी से उतर कर अपनी पानी पीने को गई तो उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के जैसा सदृश जल असंख्य कीड़ों से भर गया। रानी ने भाग पर दोषारोपण कर उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वो रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते गए। अपने वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर उस वन के ग्वालों को अपने गऊओं को चारा और पानी न मिलता देख बड़े दुखी भाव से ये सब कथा अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, उनसे कही। ग्वाले रानी को लेकर गोसाई के पास गए। रानी की मुख कांति और शरीर को की शोभा को देखकर गोसाई जी सब जान गए कि अवश्य भी विधि की और गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार की कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ, वो आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लावे उसमें भी कीड़े पड़ जाए। अब तो गोसाई जी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटा, तेरे पर कौन से देवता का कोप है, इससे तेरी ये दशा है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिव जी की पूजा करने को न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। रानी की प्रति बोले कि भाई जी, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट को से मुक्त हुआ जानो। गोसाई जी की ये बात को सुनकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत की विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। ये सोच रानी की तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से
रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तब राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो बाई जी आपके पास आश्रम में रहती वो मेरी पत्नी है, शिव जी के कोप से मैंने उसे त्याग दिया था, अब इस पर शिव प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ, आप इसे मेरे साथ चलने को आज्ञा दें। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी राजा के साथ महल में आई। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों के उच्चारण के करके अपनी राजा रानी का आह्वान किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र बनकर राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह से सुखों को भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसे ही जो मनुष्य भक्त से 16 सोमवार का व्रत इत्यादि करता है, वो इस लोक के सभी सुखों को भोग कर शिवपुरी को प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ बाबा की जय, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।